29 सितंबर को विश्व हृदय रोग दिवस मनाया जाता है और ऐसे में आवश्यकता इस बात की बढ़ जाती है कि आप अपने हृदय को जानें, दिल को जानें और उसे अपने से साथ छोड़ने से पहले उसका डायग्नोस करें। हमारे साथ असरफी अस्पताल के डॉक्टर सूरज चौहान और डॉक्टर विपिन सिन्हा हमारे साथ हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि अपने दिल की रक्षा कैसे करें। सर, सबसे पहले तो बताइए कि क्या इस बार आप लोग थीम लेकर चले हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? सो बेसिकली विश्व हृदय दिवस जो है ये इसी इंटेंशन से शुरू हुआ है कि हार्ट के बीमारी के बारे में या हार्ट के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जाए ताकि बीमारियाँ जल्दी डायग्नोस हो और उससे बचा कैसे जाए उसके बारे में भी लोगों को पता चले। शुरुआती लक्षण क्या है? सो हार्ट के जो 5 मेन लक्षण हैं, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, थकान महसूस होना, धड़कन महसूस होना या बेहोश होकर गिर जाना, चक्कर आना, बेहोश होकर गिर जाना, ये 5 हार्ट के मेन लक्षण हैं जो सारे बीमारियों में हार्ट के मेनली देखे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट तो मान लीजिए कुछ करने की स्थिति में नहीं होता, उसके पास जो आसपास के लोग हैं उन्हें क्या करना है? सो इसमें से कोई भी लक्षण आपको अगर दिखता है तो जल्दी से आपके नियरेस्ट फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को जाके पहले तो उनसे जांच करवाई जाए, पहले कंसल्टेशन करवाई जाए, उनसे क्लिनिकली देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम है और उस अनुसार उसके जांच किया जाते हैं। बेसिक जांच होती है जैसे ECG और ECO, ये बेसिक जांच है जिसमें मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कौन सी बीमारी है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट होता है। अगर हम बात करें कोयलांचल धनबाद की तो यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, मजदूर जो पेशेंट आएगा उसका किस तरह से डायग्नोस हो सकता है, किस हद तक हो सकता है? राइट, सो धनबाद में जैसे असरफी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेस है तो यहाँ पे एक छत के अंदर हार्ट की ऑलमोस्ट सारी बीमारियों का जांच होता है और इलाज भी होता है। तो अभी अगर ब्लॉकेज है तो वो निकल जाएगा। यस, सो हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए जो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी होती है हार्ट अटैक में स्पेशली, ये पूरे दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। पूरे दुनिया में, अमेरिका में हो या यूरोप में हो, सभी जगह यही ट्रीटमेंट एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाती है और ये ट्रीटमेंट धनबाद में अवेलेबल है पिछले 7 सालों से। तो कितना खर्च इस इलाज में आता है आम आदमी के लिए? एवरेज यूजुअली अराउंड 1.5 से 2 लाख के आसपास एंजियोप्लास्टी का खर्चा आता है। तो इसमें क्या जो गरीब होंगे उनको सरकारी मदद भी मिलेगी? यस, गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमा योजना में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल आप लोग देते हैं यहाँ पर। तो सर आप बताइए कि जब हार्ट का कोई पेशेंट सफ़र कर रहा होता है तो उसे सावधानी किस तरह की बरतनी है जब वो इसका इलाज? अंतर यही होगा कि आप घर में एक टैबलेट खाते होंगे और वो इंसान नहीं खाता हो, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ आप बताइए कि कहा जाता है कि हार्ट के पेशेंट को, जो भी हृदय रोग का मरीज है, उसे फैटी चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन जो शुद्ध गाय का घी है, पेशेंट हो या फिर वह व्यक्ति जिसे हार्ट की समस्या है, वह खा सकता है या नहीं खा सकता है? लिमिटेड प्रोपोर्शन में खा सकता है, ज़रूर खा सकता है। रेड मटन, रेड मीट बहुत कम होना चाहिए। रेड मीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट है हार्ट के ब्लॉकेजेस बनने के लिए, तो रेड मीट का सेवन डेफिनेटली कम होना चाहिए। फिश हेल्दी रहता है हार्ट के लिए, बट रेड मीट डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक। इन दिनों एक और प्रचलन चला हुआ है कि आपके हार्ट की रक्षा करता है ये जो एक मुर्गा का नया क्वालिटी आया है, ब्लैक कलर का होता है। वैसे कोई साइंटिफिक उसका प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ बोली चाली की कहने के बाद। यस बिल्कुल। तो अगर उस पर कुछ साइंटिफिक अगर रिसर्च किया जाए तो शायद आगे बोला जा सकता है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ रिसर्च नहीं है उस पर। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर विपिन सिन्हा और डॉक्टर सूरज चौहान जुड़े थे, इन्होंने बताया कि अगर आप अपने हृदय की रक्षा करना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं, और अगर इस तरह के कोई सिम्टम आते हैं जो कि भविष्य में आपको आपके परिवार से जुदा कर सकता है तो आपको तुरंत इसका डायग्नोसिस शुरू करना चाहिए। और उसकी जो सुविधा है वो धनबाद में मौजूद है, असरफी में भी मौजूद है, और जो मरीज गरीब हैं उनके लिए आयुष्मान भारत एवं कई अन्य योजनाएं हैं जिससे कि आप लाभान्वित हो सकते हैं और उससे अपने परिवार के लिए आप लंबे समय तक अपने परिवार के लिए बने रह सकते हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची